अब बुलेटिन आगे बढ़ाते हैं हम इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान की फायरिंग में 5 नागरिकों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के बालाकोट से, जहां पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में हो गई है 5 नागरिकों की मौत। ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ने का दुस्साहस किया है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान की गोलीबारी में 5 नागरिकों की जान चली गई है और ये 5ों लोग एक ही परिवार के थे। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा है सीजफायर। 5 नागरिकों की मौत हुई है इस गोलीबारी में। आपको बता दें 2 लोग घायल हुए हैं। 5 लोग जिनकी मौत हुई है वो 5ों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बालाकोट से ये बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर तोड़ा है सीजफायर। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर सीजफायर तोड़ने का दुस्साहस किया है और एक ही परिवार के 5 लोगों की इस फायरिंग में जान चली गई। इस गोलीबारी में आपको बता दें 2 लोग घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के बालाकोट से आ रही है बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है और एक ही परिवार के 5 लोगों की इस फायरिंग में मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर सीजफायर तोड़ा है। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से यह फायरिंग हुई, 5 लोगों की इसमें जान गई है और ये 5ों लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 2 लोग इस फायरिंग में घायल भी हुए हैं। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान की ये गोलीबारी जिसमें 5 मासूम नागरिकों की जान चली गई। और दुखद बात यह है कि ये 5ों ही लोग एक ही परिवार के थे। 2 लोग इस फायरिंग में घायल भी हुए हैं। इस खबर पर जैसे ही और अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान की फायरिंग में जम्मू कश्मीर के बालाकोट में 5 लोगों की मौत हो गई है। 5ों लोग एक ही परिवार के थे, 2 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर ये नापाक हरकत की है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।